हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और आज जो हम जो देख रहे हैं वो एपिसोड नंबर 22 देख रहे हैं और जिसके अंदर अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। सो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, पहला हमने देखा पिछले एपिसोड के अंदर दैट इज ट्रैक्टिव फोर्स देखा। सो यहाँ पे हम जो देखने वाले दैट इज सेकेंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड स्वेइंग कपल। सो दिस इज नॉट एज अ स्वेइंग कपल। अब इसको क्यों स्वेइंग कपल कहा जाता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको देखते हैं। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि लोकोमोटिव जो इंजन होता है उसके अंदर जनरली दो सिलेंडर्स होते हैं और उसमें दो फोर्स लगते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। सो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन सिलेंडर वन, और दूसरा जो सिलेंडर होता है उसमें भी प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स लगता है। तो दो आपके पास हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स है और दो जो ये जो फोर्स है वो अलग अलग सिलेंडर के अंदर लग रहे हैं। तो ये जो दो सिलेंडर हो गए वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हो गए। सो दे आर एट डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट फोर्स इन अ डिफरेंट प्लेन, मीन्स वॉट आपको मिलेगा कपल। जब डिफरेंट मासेस डिफरेंट प्लेन के अंदर होगा तो आपको कपल मिलेगा। सो व्हेन यू हैव अ मोर देन वन मास यू आर गोइंग टू हैव अ कपल। सो यहां पे आपको जो मिलने वाला है वो स्वेइंग कपल मिलने वाला है। तो अभी स्वेइंग कपल को किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ड्रॉइंग रखे हुआ है, दिस इज सिलेंडर वन और ये जो आप देख रहे हो सिलेंडर टू है। ये जो लगा रहा है वो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे वन लगेगा, यहाँ पे लगेगा हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स टू। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये उसका पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कनेक्टिंग रोड, दिस इज कनेक्टिंग रोड। अब ये जो दो कनेक्टिंग रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये एल है, और यहां से अगर मैं सेंटर प्लेन करूंगा तो टोटल डिस्टेंस है तो ये आधा आधा हो जाएगा, दिस इज एल बाय टू, तो एल बाय टू हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर वन है, दिस इज एल ओ एस टू यानी लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर टू। अब यहां पे हम सेंटर प्लेन ले रहे हैं तो इसी सेम चीज को मैंने यहां पे कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो यहां पे सेम चीज, ये मैंने सेंटर प्लेन लिया हुआ है, यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अनबैलेंस फोर्स टू, यहां पे हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स वन, यहां पे सेंटर प्लेन लिया हुआ है, जो जहां पे सेंटर प्लेन है वहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है एस। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस क्योंकि प्राइमरी फोर्स देख रहे हैं, सो मैंने यहाँ पे पीयू, आप यहाँ पे एफ एच यू वन भी लिख सकते हो। सो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स वन, सो हमें पता है फर्स्ट सिलेंडर के अंदर हमारा इक्वेशन हमें पता है, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा होगा। और जो दूसरा सिलेंडर होगा उसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा, क्योंकि लोकोमोटिव है वो दे आर 90 डिग्री टू इच अदर। तो सेकंड के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा आ जाएगा, सो इट इज कोस 90 प्लस थीटा, वो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे माइनस और पीछे साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंस। नाउ टू फाइंड द कपल वी हैव टू टेक अ मोमेंट, क्योंकि दो फोर्स है मोमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट एट एस, सो आई एम टेकिंग अ मोमेंट एट एस आई विल गेट अ स्वेइंग कपल। तो आप यहां पे लिखिए, तो सबसे पहला फोर्स ए उस डायरेक्शन में जाइए, तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। सो दिस इज एफ एच यू वन इंटू डिस्टेंस, सो एफ एच यू वन इंटू एल बाय टू या फिर एफ पी यू इंटू वन बाय टू, आप जो भी बोले वो। फिर अब दूसरा है उसका डायरेक्शन आरक्षण में आपको उंगली घुमानी है, सो यहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई यहां पे मैं आगे साइन लगाऊंगा, वो होगा माइनस। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो फोर्स है एफपीयू टू या फिर एस है एल बाय टू, सो इसलिए यहां पे एस बाय टू होगा। तो इससे आपको स्वेइंग कपल मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफपीयू वन व्हिच इज वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा इनटू एल बाय टू करना ना भूले। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस पर। मैंने क्यों यहाँ पे प्लस लिखा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, यहाँ पे माइनस है पर मैं यहाँ पे लिखूं क्या लिखूंगा माइनस माइनस वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सो माइनस माइनस विल बी प्लस वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इनटू डिस्टेंस एल बाय टू, लिखना ना भूले यहाँ पे। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां से वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर एल बाय टू, और यहां से वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर एल बाय टू दोनों कॉमन निकलेंगे। सो वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर एल बाय टू, यहां से रह जाएगा कोस थीटा, यहां से रह जाएगा साइन थीटा। सो दिस इज कोस थीटा प्लस साइन थीटा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्वेइंग कपल, बट आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्वेइंग कपल एंड आई हैव टू फाइंड द नेगेटिव मिनिमम स्वेइंग कपल। ठीक है, तो अब मैक्सिमम और मिनिमम मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तब जाके मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरा इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करने वाला हूं और उसको जीरो के साथ मैं इक्वेट करने वाला हूं। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन आप जब करने जाओगे तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये कॉन्स्टेंट
इसका ये जो डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, तो कांस्टेंट है वो जीरो के नीचे चला जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का। सो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा का होगा प्लस कोस थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसको लिखा जाता है माइनस साइन थीटा कोस थीटा उस साइड चलेगा तो साइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, सो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा को नीचे ले जाइए साइन अपॉन कोस टेन इज इक्वल टू वन। अब थीटा की कौन सी एंगल के लिए वैल्यू बनाती है, एक बार 45 और 225 डिग्री रख के देखिए, टेन की वैल्यू पॉजिटिव वन आएगी, सो यू हैव टू एंगल फॉर टेन थीटा इक्वल टू वन। तो एक बार आप 45 डिग्री यहां पर डाल के देखिए, सो जस्ट पुट थीटा इक्वल टू 45 एंड 45 ओवर हियर, यू विल गेट प्लस एल बाय रूट टू वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर। जब 45 रखोगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी, यानी 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम स्विंग कपल मिलता है। अब एक बार 225 यहाँ पे 225 और यहाँ पे 225 रख के देखिए, आपको आंसर मिलेगा माइनस एल बाय रूट टू वन माइनस सी ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आंसर माइनस में मिलता है इसलिए आपको 225 रखोगे तो आपको स्विंग कपल मिनिमम लगेगा। तो इस तरीके से पूरा स्वे करता है, ये जो होता है इसको इस तरीके से करता है, जो दूसरा होता है इसको इस तरीके से होता है, सो दे आर लाइक टू स्वे, दैट्स व्हाट इट्स नोन एज स्वेइंग कपल। सो आई होप आपको थियरी समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ में आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।